भाषार्थ हे अश्वदेव, जैसे व्याध हाथी तथा सिंह सारबूल की कामना करते हैं, वैसे ही हम तुम्हें रात दिन यज्ञीय द्रव्य लेकर बुलाते हैं। श्रेष्ठ नायकों, तुम्हारे लिए यथा समय यजमान भक्त आहुतियां प्रदान करते हैं। तुम भी शुभ वृष्टिदायक जलों के अधिपति हो, इसलिए मानवों के लाभ के लिए अन्न ले आते हो। भाषार्थ हे नेता लोग, अश्वदेव चारों ओर घूमकर प्रयास करती हुई राजा कक्षिवान की पुत्री घोषा मैं तुम्हें कहती हूँ तथा तुम दोनों के विषय में ही बूढ़ों से पूछती हूँ। दिन तथा रात तुम दोनों मेरे हित के लिए मेरे नित्य कर्म में सहायक बनो तथा रथ युक्त अश्वयुक्त शत्रु को नष्ट करने के लिए मुझे समर्थ करो। भाषार्थ हे बुद्धिमान अश्वदेव, तुम दोनों रथ पर रहो। स्तोता के गृह में तुम कुत्स की भांति रथ पर जाते हो। हे अश्वद्वय, तुम्हारा मधु ज्यादा है, इसलिए मक्खियां उसे मुख में ग्रहण करती हैं, जैसे निष्कृत मधु नारियां इकट्ठा करती हैं। भाषार्थ हे अश्वद्वय, तुमने ही सागर में विपन्ना अवस्था प्राप्त भुज को बचाया था। तुमने वश राजा तथा अत्र का श्रेष्ठ स्तुति करने के लिए उद्धार किया था। तुम्हारा मित्रत्व श्रेष्ठ दाता ही प्राप्त करता है। तुम्हारी रक्षा में मैं घोषा सुख की इच्छा करती हूँ। भाषार्थ हे अश्वदेव, निश्चय से ही तुम दोनों ने कृष दुर्बल शयु ऋषि परिचारक तथा विधवा स्त्री की रक्षा की थी। हे अश्वद्वय, तुमने शब्द करने वाले बहुत से गतिशील द्वार वाले मेघ को यज्ञ में हवि का दान करने वाले यजमान के लिए बरसाने के लिए खुला किया। भाषार्थ हे अश्वद्वय, तुम्हारी कृपा से यह घोषा नारी लक्षण प्राप्त करके सौभाग्यवती हुई। इसे कन्येक्षुक पति प्राप्त हो, इसलिए तुम्हारी कृपा से वर्षा होने के कारण श्रेष्ठ औषधियां शस्य आदि उत्पन्न हो। इस तेजस्वी पुरुष की ओर निम्नाभिमुखी होकर नदियां भी बह रही हैं, वह रोग रहित हैं। शत्रुओं से न मारे जाने वाले इसको तब ही पतित्व प्राप्त होता है। भाषार्थ हे अश्वद्वय, जो लोग अपनी स्त्री की प्राण रक्षा हेतु रोते हैं तथा उन स्त्रियों को यज्ञ कर्म में नियुक्त करते हैं और उनका अपनी बाहों में प्रदीर्घ आलिंगन करते हैं तथा वे अपने पति के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करती हैं और स्त्रियां भी पति को आलिंगन देकर उसका तथा स्वयं को सुख प्राप्त करती हैं। भाषार्थ हे अश्वदेव, उनका वैसा सुख हम नहीं जानते, उस सुख का तुम ही वर्णन करो। युवा पुरुष मेरा पति युवती स्त्री के मेरे साथ घर में जो निवास करता है, युवती पत्नी पर स्नेह करने वाले बलशाली तथा वीर्यवान पति के घर को मैं जाऊं, हम सदैव उस घर की कामना करते हैं। भाषार्थ हे अन्न धन के अधिपति तथा जलों के स्वामी अश्वद्वय, तुम दोनों को शुभ कल्याण प्रद बुद्धि प्राप्त हो। मेरे मन की कामनाएं नियम पूर्वक संन्यत करो। तुम मेरे रक्षक हो, हम अपने पतियों के प्रिय होकर स्वामी के गृहों को प्राप्त हों। भाषार्थ हे अश्वद्वय, आनंद प्रसन्न तुम्हारी मेरे पति के गृह में मैं स्तुति करती हूँ, इसलिए मुझे पुत्रादि सहित धन प्रदान करो। हे जल के स्वामी, तुम मुझे सुख से पीने के लिए योग्य जल दो। राह में स्थित वृक्ष आदि बाधाएं नष्ट करो तथा विपरीत बुद्धि को दूर करो। भाषार्थ हे अश्वदेव, हे दर्शनीय जलों के स्वामी, तुम आज कहाँ हो? किन लोक में तुम आमोद प्रमोद करते हुए स्वयं को तृप्त करते हो? कौन यजमान तुम दोनों को बांध कर रख सकता है? किस विद्वान यजमान स्तोता के गृह पर तुम गए हो? एक चत्वारिंशम सुक्तम। भाषार्थ हे अश्वदेव, तुम दोनों के पास एक ही रथ है, उस उत्तम रथ को अनेक बुलाते हैं, अनेक स्तुति करते हैं। वह तीन चक्र वाला है, यज्ञों में जाता है, चारों तरफ घूमकर यज्ञ को सुसंपन्न करता है। प्रातः काल होते ही श्रेष्ठ स्तुतियों से युक्त प्रार्थना करके हम उसे बुलाते हैं। भाषार्थ हे सत्य के प्रणेता तथा नेता अश्वद्वय, तुम प्रातः काल अश्वों से जोता हुआ प्रातः काल जाने वाला तथा मधु अमृत वाहक रथ पर आरूढ़ हो, जिसके द्वारा यजनशील प्रजाओं को प्राप्त हो। श्रेष्ठ स्तोत वाले ऋषि होता से युक्त यज्ञ में भी जाओ। भाषार्थ हे अश्वद्वय, सोमयुक्त अध्वर्यु यज्ञ कराने में श्रेष्ठ सुहस्त के समीप अथवा बलशाली जितेंद्रिय दानशील
अग्नि के समीप आओ, जो तुम दूसरे बुद्धिमान पुरुषों के यज्ञों में जाओगे तो भी वहां तुम सोम रस ग्रहण कर सकोगे। द्विचत्वारिंशम सुक्तम भाषार्थ। बाण फेंकने वाला धनुर्धर जैसे श्रेष्ठ रीति से दूर स्थित लक्ष्य पर हृदय वेधक बाण का प्रहार करता है तथा पुरुष आभूषणों को पहनकर सजता है, वैसे ही तू इंद्र के लिए स्तुतियों से प्राप्त कर। हे बुद्धिमान पुरुषों, तुम स्तुतियों का प्रयोग करके अपने शत्रु का श्रेष्ठ वचनों से निराकरण करो। हे स्तोता, तू सोम याग में इंद्र को प्रतिदिन अपने अनुकूल कर। भाषार्थ। हे स्तुतिकर्ता, तू जैसे गाय को दूह कर अपना प्रयोजन सिद्ध किया जाता है, मित्र स्वरूप इंद्र को अपने इच्छित फलों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त कर। उसी प्रकार स्तुत्य इंद्र को स्तुतियों से जगा। धनादि से पूर्ण कोषागार की भांति ऐश्वर्य से परिपूर्ण संपन्न शूरवीर इंद्र को धन दान के लिए प्रेरित कर, अनुकूल कर। भाषार्थ। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, तुझको विद्वान जन अभिष्ट दाता क्यों मानते हैं? मुझे धन देकर समर्थ कर। तुझे मैं समर्थ करने वाला सुनता हूँ, मेरी बुद्धि कार्य करने में निपुण हो। हे इंद्र, हमें श्रेष्ठ धन प्राप्त कराने वाला भाग्य दे। भाषार्थ। हे इंद्र, तुझको लोग संग्राम में मदद के लिए आदर से बुलाते हैं, संग्राम में जाते हुए तुझे पुकारते हैं। इस समय में वीर इंद्र जो मानव हविर द्रव्य युक्त है उसके साथ ही मैत्री करता है। सोम प्रस्तुत न करने वाले के साथ इंद्र मित्रता करना नहीं चाहता। भाषार्थ। जो हविर द्रव्य युक्त यजमान अनेकों गौ अश्व आदि देने वाले धनवान की भांति उदारता से इस इंद्र को तीव्र सोमरस प्रस्तुत करता है, उस यजमान के दिन पूर्व भाग में श्रेष्ठ पुत्र सहित प्रेरित सुंदर आयुधों से युक्त शत्रुओं को दूर कर देता है तथा वृत्रादि विघ्नों को नष्ट करता है। भाषार्थ। जिस इंद्र की हम स्तुति करते हैं तथा जो धनवान इंद्र हमें इच्छित धन देता है, उसका शत्रु दूर से ही भयभीत होता है, उस इंद्र को शत्रु देश की संपत्ति भी प्राप्त हो। भाषार्थ। हे बहुस्तुत इंद्र, जो उग्र बलशाली शत्रुओं का नाश करने वाला वज्र शस्त्र है, उस वज्र से हमारे पास के शत्रु को दूर कर तथा हमें अन्न जौ और गाय से युक्त संपत्ति दो। स्तुति करने वाले, मेरी बुद्धि को अन्न रत्नावली कर। भाषार्थ। जिस इंद्र के उदर में उसके लिए हवन किए हुए तीव्र शुद्धोत्पादक सोम प्राप्त होते हैं, वह धनवान इंद्र दानशील यजमान का कभी विरोध नहीं करता, किंतु अधिक सोम रस देने वाले यजमान को अधिक धन देता है। भाषार्थ। जैसे जुआरी जिससे हारा हुआ है उसी को खोजकर हरा देता है, उसी प्रकार इंद्र भी अनिष्टकर्ता को आक्रमण करके पराजित करता है। जो देवों की स्तुति उपासना में धन खर्च करने में कंजूसी नहीं करता, धनवान बलवान इंद्र उस देव उपासक को धनैश्वर्य से युक्त कर देता है। भाषार्थ। हे अनेकों द्वारा आहूत इंद्र, तेरी कृपा से निर्धनता से प्राप्त दुर्बुद्धि को हम गौ आदि पशुओं के द्वारा पार करें और यव आदि अन्न से सभी प्रकार की क्षुधा की निवृत्ति कर सकें, राजाओं से हम उत्कृष्ट धन प्राप्त करें तथा अपने बल से हम शत्रुओं को पराजित कर सकें। भाषार्थ। बृहस्पति हमें पश्चिम पीछे से, उत्तर ऊपर से तथा दक्षिण नीचे से पापाचारी शत्रुओं से बचाएं तथा इंद्र पूर्व दिशा और मध्य भाग से आने वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। सबका मित्र इंद्र हम मित्रों का प्रिय करने के लिए हमें उत्तम धन प्रदान करें। त्रिचत्वारिंशम सुक्तम भाषार्थ। मेरी सर्व प्रारक परस्पर सुसंबद्ध सब प्रकार की तथा इच्छा करने वाली बुद्धि इंद्र की स्तुति गुणगान करती है। जिस प्रकार स्त्रियां अपने स्वामी पतियों को सुख समृद्धि के लिए आलिंगन करती हैं, वैसे ही शुद्ध दोष रहित ऐश्वर्यवान इंद्र का आश्रय पाने के लिए ये स्तुतियां प्राप्त करती हैं। भाषार्थ। हे बहुस्तुत इंद्र, तुम्हें छोड़कर मेरा मन अन्य कहीं दूर नहीं।